हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए जो इमला का वीडियो लाई हूं उसका टॉपिक है पराधीन सपने हो सुख नाही, और यह है कक्षा 7 की किताब से मैं आपके लिए लेकर आई हूं। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और साफ साफ लिखना शुरू करिए। एक राजा था, वह बहुत भला था, वह बहुत भला था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। राजा को पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार था, पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार था। वह देर तक हरे भरे पेड़ पौधों के बीच बैठता और पक्षियों की मीठी बोली सुनता। अगली स्लाइड में मैं आपको लिखा हुआ दूंगी, उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। और अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए, सिलेक्ट फॉर ऑल करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाया करें। एक राजा था, वह बहुत भला था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा को पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार था। वह देर तक हरे भरे पेड़ पौधों के बीच बैठता और पक्षियों की मीठी बोली सुनता। आई होप आपकी बहुत कम गलतियां निकलेंगी और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके शुद्ध हिंदी लिखना शुरू करेंगे। राजा का सोने का कमरा पहली मंजिल पर था, पहली मंजिल पर था। कमरे की खिड़की से बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां और फूल झांकते और राजा इन्हें देख देख कर खुश होता। एक दिन राजा ने देखा कि कमरे की खिड़की से
कमरे की खिड़की से लगे पेड़, लगे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। राजा का सोने का कमरा पहली मंजिल पर था। कमरे की खिड़की से बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां और फूल झांकते और राजा इन्हें देख देख कर खुश होता। एक दिन राजा ने देखा कि कमरे की खिड़की से लगे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का और चोंच लाल थी लाल थी। थोड़ी ही देर में उस सुंदर सी चिड़िया ने मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया। राजा उसकी मीठी आवाज सुनकर खुशी से झूम उठा। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का और चोंच लाल थी। थोड़ी ही देर में उस सुंदर सी चिड़िया ने मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया। राजा उसकी मीठी आवाज सुनकर खुशी से झूम उठा। उस दिन से रोज शाम को वह चिड़िया आती और अपनी मीठी बोली से सारे वातावरण को खुशनुमा बना देती। लेकिन जब कभी खूब बारिश या तेज धूप होती या फिर आंधी तूफान आता चिड़िया नहीं आती। जिस दिन
जिस दिन चिड़िया नहीं आती थी, उस दिन राजा का मन नहीं लगता था, उस दिन से रोज शाम को वह चिड़िया आती और अपनी मीठी बोली से सारे वातावरण को खुशनुमा बना देती। लेकिन जब कभी खूब बारिश या तेज धूप होती या फिर आंधी तूफान आता, चिड़िया नहीं आती। जिस दिन चिड़िया नहीं आती थी, उस दिन राजा का मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, क्यों ना हम इस चिड़िया को अपने महल में रख लें रानी ने ऐसा करने से मना किया लेकिन राजा नहीं माना राजा ने उस चिड़िया को पकड़वाकर उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, क्यों ना हम इस चिड़िया को अपने महल में रख लें। रानी ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने उस चिड़िया को पकड़वाकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए। अपने क्लास के ही दूसरे बच्चों को इन वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।